नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, एक हफ्ता के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं हटाते, क्या सरकार प्राइवेट पार्टी है इस केस में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा सभी धर्मों के लिए बने दो बच्चों का कानून, नहीं तो बेटियों के लिए पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे हालात। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़े, झड़प में दो कार्यकर्ता जख्मी, आज तीसरे दौर के लिए 62 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जारी एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका, पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं ने की पूजा, तृप्ति देसाई ने इसे बताया जीत, कल स्वराज महिला संगठन के कार्यकर्ताओं से मारपीट के खिलाफ आज शहर बंद। दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा मंडराया, आईबी और गृह मंत्रालय ने जारी की 3 नोटिफिकेशन, संसद समेत कई खास जगहों को बनाया जा सकता है निशाना। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां है खबरें लगातार।